कुछ नहीं, देख रहा था कि बगैर मूछों के मैं कैसा लगूंगा। बड़े सोने लगोगे, मेरी बड़ी तमन्ना है तुम एक बारी बगैर मूछ के देखो। कर दो मुझे। नवर, बगैर मूछों के मैं छिला हुआ खरगोश लगूंगा। तो क्यों होया, खरगोश बड़ा प्यारा होता है। कितना भी प्यारा हो मैं खरगोश बनना नहीं चाहता। मैं हूँ दविंदर सिंह धनोआ, ये मुछे ट्रेडमार्क है मेरा, पहचान है मेरी। हाँ, कभी भेष बदलना पड़ा तो कटवा दूंगा इन्हें। आई एम श्योर मेरी शक्ल इतनी बदल जाएगी लोग तो क्या, मैं खुद नहीं पहचान पाऊंगा अपने आप को। ला 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 ला। इतर शितर पाके किथे जा रहे हो तुसी? तेरे लिए लड़का ढूंढने। रब्बा, कुछ तो शर्म करो, जो मुंह में आता बोले जान दो। फिर क्यों हुआ? मैंने काली टीवी पर सुना था कि थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग सेहत के लिए अच्छी होती है, वही करने जा रहा हूँ मैं। Keep the change. अब हम चलते हैं एक बढ़िया पिक्चर देखने के लिए और उसके बाद हम लोग जाएंगे। चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो। डर क्यों रहे हो तुम? वहाँ मेरे पापा जी थे, पापा जी अगर वो मुझे तुम्हारे साथ देख लेते पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता? You don't know my पापा जी। अगर वो मुझे तुम्हारे साथ देख लेते तो झट से कंक्लूजन पे पहुंच जाते और आ जाते तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर। Shut up, बीजी भी थी ना उनके साथ। बीजी? हाँ, वो जो उनके साथ में बैठी थी। नहीं 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 नहीं, वो बीजी नहीं थी। तो वो कौन थी? अरे हाँ, वो कौन थी? जहाँ तक मेरा ख्याल है पापा जी अकेले ही थे, गाड़ी में कोई और था या नहीं ये मुझे नहीं पता। और आपका कहना है उन्होंने सूट पहन रखा था और उनकी मूछें नहीं थी? नहीं नहीं पुत्र, तूने किसी और को देखा होगा, तेरे पापा जी मुझे निकालेंगे ही नहीं। नहीं बीजी, वो पापा जी थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। साहब जी, आपको जरूर कुछ धोखा हुआ हुई। पापा जी हमको बोल करके जाएं कि वो कबड्डी का मैच देखेंगे, वो भी फुल डे। इस वास्ते सवेरे सवेरे सच धज के निकल गए। हाँ, और अभी आते भी होंगे। हाँ राजू, मैनू मंदिर ले चल तेरे पापा जी के आने से पहले, व्रत भी तोड़ना है। पुत्र मैं आनी हूं। जी आई एम श्योर वो पापा जी थे। आ गया पुत्र, चल मेरे साथ मंदिर। नहीं बीजी, मुझे डैड से कुछ जरूरी बात करनी है। तेरी मर्जी, चल राजू। मैं यहाँ हूँ नीरज। डैड, डैड, मुझे पापा जी के बारे में आपको कुछ बताना है। मैंने पापा जी को देखा बिना मूछ के और सूट पहने हुए। एग्जैक्टली, लेकिन आपको कैसे मालूम? डोंट टेल मी, आप भी वहाँ थे। तुमने पापा जी को कहाँ देखा? हमारे कॉलेज के पास वाले गार्डन रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में तू क्या कर रहा था? मैं बैठा था, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था। लेकिन पापा जी किसके साथ बैठे थे पता है? किसके साथ बैठे थे? एक औरत के साथ। क्या? हाँ? Don't believe this. कौन थी वो औरत? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो उसके साथ ओपनली फ्लर्ट कर रहे थे। ये तू क्या कह रहा है नीरज? तू जानता है तू किसके बारे में बात कर रहा है? अगर तू अपने डैड के बारे में कहता तो मैं समझ सकती, लेकिन पापा जी के बारे में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूँ माँ, यू हैव टू बिलीव मी, मैंने उन्हें देखा। तो मिलकर क्यों नहीं आया उनसे? वो मैं क्या तुम भी किसी लड़की के साथ है? व्हाट डू यू मीन थी? पापा जी के साथ कोई लड़की हो ही नहीं सकती। पापा जी के साथ कोई लड़की थी ही नहीं, औरत थी, औरत थी। और वो दोनों एक कॉर्नर टेबल पे बैठे थे। आई एम श्योर वो अब तक वही होंगे। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलकर देखते हैं कि चक्कर क्या है। चल चल चल। कहाँ है वो? यही बैठे थे डैड, इसी टेबल पे। एक्सक्यूज मी, यहाँ जो साहब बैठे थे कहाँ गए? वो तो अभी चले गए मेम साहब के साथ। मेम साहब? मैंने कहा था ना ये भी तो थे किसी लड़की के साथ। वो छोड़ो, ये वाले साहब कहाँ गए? वो तो पता नहीं, उन्होंने सामने से गजरा लिया, मेम साहब के बालों में लगाया और चले गए कार में बैठ के। वही सिल्वर कलर की कार जिसमें मैंने उन्हें देखा था। आपने उन्हें कहाँ देखा था? वही जगह है, मैं यहाँ खड़ा था। पापा जी की गाड़ी वहां थी, पापा जी वहां से आए, गाड़ी में बैठे और गाड़ी ऐसी चली गई। साथ में उनकी गर्लफ्रेंड भी है। मैं अभी जाके बात करता हूँ उनसे। एक मिनट सूरज, ये हमारे पापा जी नहीं हो सकते, ये तो कोई और ही है। इनकी मूछें कहाँ हैं? वैसे तो इन्होंने कपड़े भी अलग पहन रखे हैं, लेकिन शक्ल तो वही है ना। डैड, डैड, क्या एक शक्ल के दो इंसान नहीं हो सकते? You mean double row? Yes. What nonsense. अरे सूरज, देखो एनीवेज ये हमारे पापा जी तो है नहीं, तो हमें क्या करना, जाने दो ना। चलिए डैड, घर चलते हैं। घर चल के देखते हैं कि पापा जी ने अपनी मूछें मुंडवाई है कि नहीं।
मजा आ गया कबड्डी की मैच देखकर। पापा जी आप कबड्डी की मैच सूट पहन कर देखी? पागल हो गया तू? वहां तो इतनी गर्मी थी मैं अपनी कमीज उतार कर बैठा था। लो जी लस्सी पियो। हाँ ला। बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं अच्छे सी हम देखेंगे। पापा जी आ गए। वो क्या मान लस्सी पी इतनी तो मूछें हैं। What do you mean? मेरा मतलब है आप पापा जी हैं मूछों वाले पापा जी और आपकी मूछों पे लगी हुई लस्सी। आज मत बचाना मेरी मूछ को। बड़ी संभाल के रखी है मैंने अपनी मूछें। मेरी मूछ का एक भी बाल टूट गया तो मैं तेरा हाथ तोड़ डालूंगा। पापा जी आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। अभी अभी हमने आपको देखा था बिना मूछ के। क्या? हाँ जी पापा जी बिल्कुल आप ही की शक्ल का था वो आदमी। सेम हाइट सेम बिल्ड सिर्फ मूछें नहीं थी। हम तो धोखा खा गए पापा जी। आपकी तरह उठना बैठना चलना फिरना उसमें और आपने फर्क सिर्फ इतना था कि उसने पहन रखा था सूट और उसकी मूछें नहीं थी। हाय हाय मैंने क्यों नहीं मिलाया है? नहीं मेरा मतलब मैं भी देखती ना मूछ वगैरह आप कैसे लगते हो। पापा जी आपका कोई जुड़वा भाई तो नहीं? बगैर मूछ के मेरा कोई भाई हो नहीं सकता। लेकिन था वो बिल्कुल आपका डबल रोल। ऐसा हो ही साहब जी कभी कभी एक ही शक्ल के दो आदमी हुए जिनका आपस में कोई रिश्ता नॉट हुए। कहो ना प्यार है। वेरी स्ट्रेंज सेम फेस सेम बिल्ड लेकिन कहा हमारे पापा जी और कहा वो फ्लर्ट। पता नहीं क्या क्या बकवास करी जा रहे हो तुम लोग। मेरे जैसा तो कोई हो नहीं सकता। आई एम द ओनली वन इन द वर्ल्ड वन पीस दविंदर सिंह धनोआ मुच्छो वाले। नहीं इतना भयानक सपना किरण बाला ने मैंने बगैर मूछ के देख लिया। मेरी मूछ कहाँ गई? मेरी मूछ कहाँ गई? खो गई कहीं? पापा जी उते पापा जी हाँ सूरज पापा जी अंदर आने दीजिए पापा जी। नहीं तो अंदर मत आ। पापा जी बीजी हम सबसे कुछ कहना चाहती हैं। तो मैं बाहर आता हूँ तैयार होके जा जा जा। बेड़ा गर्क अब मैं कहाँ से ढूंढूँ अपनी मूछें। ये क्या है पापा जी? ये तो हमारे होने वाले बच्चे का लंगोट हुई। हाँ मैं ही खरीदा लाया था पूरे आधा दर्जन। लेकिन तेरे बच्चे से काम आने से पहले हम सबके काम आएंगे। जहाँ तक मुझे मालूम है पापा जी लंगोट मुंह पे नहीं बांधते। मुझे पता है लेकिन पोल्यूशन आजकल इतना बढ़ गया है कि ड्रग सांस लेना मुश्किल हो गया है। फिल्टर की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग भी एक एक बांध लो अंदर और पड़े हैं। नहीं नहीं ओफो पहले मेरी गल तो सुनो। हाँ बोल। वो साडा बनिया आएगा ना। हाँ उसका प्यो। हाँ उस बुड्ढे ने दूजा व्याह रचाया। शाबाश पापा जी उसकी पहली पत्नी अभी तक जिंदा है। अच्छा तब तो उसने और भी बहादुरी का काम किया। बहादुरी का नहीं ये तो बेशर्मी का काम हुआ पापा जी। तेरे जैसा डरपोक इंसान ऐसा ही कहेगा लेकिन मेरे जैसा जवान नाशक उसे कहेगा गुरु। दूसरी शादी करने वाले को आप अपना गुरु मानते? बात दूसरी शादी की नहीं है पुत्र बात तो है मोहब्बत की। हम कुछ नॉट समझेंगे पापा जी। तुझे तेरी गाड़ी से प्यार है ना? हाँ जी पापा जी बिल्कुल। अगर तुझे तेरी गाड़ी से कोई अच्छी गाड़ी नजर आ जाए तो तेरा दिल नहीं चाहेगा तेरी हो जाए। ये इंसानी फितरत है पुत्र। पता नहीं कहां से हिम्मत आ जाती है कि एक गाड़ी होते हुए दूसरी गाड़ी ले लेता है। लेकिन गाड़ी और बीवी में फर्क होता है मैं क्या जी? हाँ जी पापा जी गाड़ी कुछ नॉट बोलिंग बीवी कितना बोलिंग। बोलिंग तो तब ना जब पता चलेगा। यही तो मार खा गया वो बुड्ढा ढुंढुरा पीट दिया अपनी मोहब्बत का। यही तो फर्क है उसमें और मुझमें। तो क्या आपका भी कहीं चोरी छुपे इश्क चल रहा है पापा जी? जिसका हमें कुछ पता ही नहीं चलने दिया आपने कभी? वो पुत्र सारे ही मर्द ऐसे कहन देने लेकिन बीवी को सब पता होता है चाहे उसका खसम उसे कुछ कहे या ना कहे। तुझे क्या पता है? मैनू पता है कि मेरा मुच्छो वाला सिर्फ मेरा ही है। चाय पीजिए ना पापा जी। चाय पीने के लिए मुझे लंगोट खोलना पड़ेगा। किरण तूने गंगा जमुना देखी थी? क्यों? उसमें वो गाना था ना ढूंढो ढूंढो रे साजना ढूंढो रे साजना मेरी मूछ का बाला। मूछ का बाला नहीं जी कान का बाला। हाँ वही वही। स्वीटहार्ट शादी के बाद हम शहर नहीं रहेंगे गांव चले जाएंगे। वहां मेरी एक कोठी है
वहां मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा, अपने दिल की रानी। जैसे आपकी मर्जी, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, अब तो आप ही मेरे सब कुछ हैं। ये 5 लाख रुपए और ये जेवरात मेरी जिंदगी भर की पूंजी, मैं थक गई इन्हें संभाल संभाल के। अच्छा हुआ आप अपने लॉकर में इसे रख रहे हैं। लॉकर मेरा नहीं तेरा, अब हम दोनों के बीच में मेरा तेरा कुछ नहीं, दोनों एक हो गए हैं। कल सुबह इन्हें लॉकर में रख के ठीक 9 बजे मंदिर पहुंच जाऊंगा, जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तब तक पंडित भी आ जाएगा, फिर हो जाएगी हमारी शादी। सरोज, तू? किरण बहन जी, क्या हुआ, परेशान क्यों है? मैं बर्बाद हो गई किरण बहन जी, मैं लूट गई। उसकी मीठी मीठी बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ उसे दे दिया। किसे? वो प्रेम कुमार। कौन प्रेम कुमार? सिर्फ नाम ही तो जानती हूँ मैं, और उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी झूठी मोहब्बत पर यकीन करके मैंने अपने पैसे जेवर सब उसे दे दिया। आज 9 बजे आके वो यहाँ मुझसे शादी करने वाला था, अभी तक नहीं आया, सब कुछ लेके भाग गया वो। मैं क्या करूँ, बेड़ा गर्क हो गया। आई थिंक हमें पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखवानी चाहिए। क्या कंप्लेन लिखवाएंगे, मासी जी तो कुछ जानती नहीं उनके बारे में। तेरे पापा जी भी हल्ली तक नहीं आए, वो ही कोई रास्ता निकालेंगे। राजू मामा गए तो हैं उन्हें ढूंढने। मिलिंग मिलिंग पापा जी, मिलिंग इन हलवाई के दुकान में मिलिंग। जलेबियां भी नहीं खाने दी मुझे। यही है प्रेम। ओ नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, किसी ने मुझे फंसाया है। ओ हो, यही प्रेम है। लेकिन मासी जी, ये तो हमारे पापा जी हैं। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन ये है वही। मासी जी, ये हो ही नहीं सकता। हो सकता माँ, हो सकता है, डबल रोल रिमेम्बर। अरे हाँ, विथ मूछ एंड विदाउट मूछ। यही तो मैं कहने वाली थी, ये मूछे नकली हैं। नहीं नहीं, मींस के ये तो कितने सालों से हुई उन पापा जी के मुंह पे। इन्होंने तो कभी अपनी मूछ निकाली नहीं। ये बगैर मूछों के मुझसे मिलते रहे, ताकि इन्हें कोई पहचाने नहीं। अभी पता चल जाएगा, खींच के देखती हूँ। नहीं नहीं, खबरदार, इसे मेरे मूछ को हाथ लगा दो। हम जानते हैं बाबा जी, आपकी मूछें असली हैं। अगर असली है तो फिर खींचे क्यों नहीं देते? तो चलिए, मेरी मूछें खींचोगे तो मुझे दर्द नहीं होगी। लेकिन इनकी तसल्ली तो हो जाएगी कि आप बगैर मूछों वाले प्रेम कुमार नहीं, बल्कि मूछों वाले हमारे पापा जी हैं। ये मूछें ही तो आपकी पहचान है पापा जी। कितने कंप्लीट लगते हैं आप इन मूछों के साथ। तभी तो मैंने इन्हें कभी निकाला नहीं। और निकाल भी नहीं सकते ना पापा जी। नहीं नहीं, खबरदार, कोशिश भी नहीं करना। मेरी बात मानिए, ये मूछें नकली हैं। खींचेंगे तो फिर मौसी जी कैसे मानेंगे पापा जी? तेरी मासी माने ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ पापा जी, एक बार खींच कर देख लेने में क्या हर्ज है। हट, ये मर्द की मूछें हैं, मर्द की मूछें कभी खींच नहीं जाती, कितना भी जोर लगा लो। मैंने तेल लगा लगा कर एक एक बाल मारा है अपनी मूछों का, ये क्या ऐसे निकल जाएगी खींचने से? देखा देखा, कहा था ना मैंने मूछें नकली है। नाई ने किरण, मैंने नहीं, नाई ने मेरी मूछें ट्रिम करते करते खराब कर दी, इस वास्ते मुझे मूछें निकालनी पड़ी। मूछों के बगैर तो मैं छिला हुआ खरगोश लगता हूँ, इसलिए मैंने ये नकली मूछें बनवाई। कितने भोलेपन से झूठ बोल रहे हैं आप। और झूठ नहीं बेबे, यही सच है। मूछों के बगैर तो मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला, जवानी से लेके आज तक। कोई भी तस्वीर उठाकर देख लो मेरी, मूछों के बगैर नहीं मिलेगी। तस्वीर है मेरे पास, तस्वीर, हम दोनों की तस्वीर, जो उस दिन उस फोटोग्राफर ने खींची थी, जिस दिन हमें बेस्ट कपल ऑफ द इवनिंग का प्राइज मिला था। ये देखिए, नहीं ये तो सचमुच पापा जी है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, ये तस्वीर झूठी है। तस्वीर कभी झूठी नहीं होती करण। मैं क्या जी, की कह रहे हो तुसी? मैं ठीक कह रहा हूँ, मैनू नहीं पता कि इसने कैसे खिंचवा ली ये तस्वीर, इसका प्लान क्या है। अब तो पुलिस ही इसका फैसला करेगी। इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए, यही है वो औरत जो मुझे फंसाना चाहती है, गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार इन्हें नहीं, आपको करना पड़ेगा मिस्टर प्रेम कुमार। प्रेम कुमार उर्फ मनोहर देसाई, उर्फ अविनाश ठाकुर, उर्फ तरंग वैद्य, और न जाने कितने कितने नाम है इस बैरूपिये के, जिसकी पुलिस को कब से तलाश थी। अकेली अमीर औरतों को अपने प्रेम के झूठे जाल में फंसा कर ये उनका माल लेकर रफू चक्कर हो जाता है अपने दूसरे शिकार की तलाश में। You are under arrest. मैंने फिल्मों विच देखा है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते ना, तो हीरोइन तेरे पास आके शिकायत करती है, इस वास्ते मैं भी आई हूँ। मैनू कोई रास्ता बता, वरना वरना तेरी मरी कट्टी। जा। है? ये तो वही बदमाश लगता है। शुक्र है परमात्मा ने मेरी सुन ली। Excuse me? जी कहिए।
आप तो बड़े शरीफ और खानदानी लगते हैं। लगता है भगवान ने आपको भेजा मेरी मदद के लिए। मदद? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे आप भगवान में विश्वास करते हैं कि नहीं मैनू नहीं पता, लेकिन मैं करती हूँ। वो अभी मैं ऊपर वाले मंदिर गई थी ना, तो एक अजीब बात हो गई। क्या हुआ? वो एक साधु पुरुष आए, उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि मैंने जो अपनी अलमारी विच 7 लाख रुपए रखे हैं वो चोरी हो जाएंगे। आपने अपनी अलमारी में 7 लाख रुपए रखे हैं? हाँ, उनको कैसे पता चल गया मैनू नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। मगर आपने इतनी बड़ी रकम अपने घर में रखी क्यों? तो होर मैं की करती, मैंने तो पता ही नहीं कि पैसे किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या करना चाहिए, आपको पता है? हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मैं आपको समझा दूंगा। हाँ, तभी भगवान ने मुझे आपसे मिलवाया। एंज करते हैं कि आप मेरे साथ मेरे घर चलो, और फिर मुझे समझा दो, वो 7 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा। हाँ हाँ, चलते हैं, मेरी गाड़ी भी तैयार हो गई है, चलिए। आओ जी आओ। बहुत परेशान है आपका। थैंक यू जी, आओ आओ। आओ जी आओ, पैसे मैंने अलमारी में रखे, उन्हें निकालती हूँ। टिंग टोंग। हाय रब्बा, ये तो दरवाजे की घंटी है, मैंने लगता है मेरे वो आ गए, वो तो बहुत नाराज हो जाएंगे तुम्हें यहाँ देख कर। तुसी कम करो, तुसी छुप जाओ। कहाँ छुपूँ, कहाँ छुपूँ? कहाँ? नहीं, वो नहीं। हाँ, बाथरूम में आओ। उन्हें फोन करती हूँ सूरज के मोबाइल पर। सूरत इतनी मिलती जुलती और सीरत इतनी अलग। देखा, शरीफ आदमी कभी अपनी मूछें नहीं मुड़वाता, बगैर मूछों वाले होते ही हैं बदमाश। सूरज, नीरज, राजू, तुम भी अपनी मूछें बढ़ा लो, शराफत की पहचान। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। चलो। इंस्पेक्टर, कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। तो मेरी मूछें तो दे। ओ हाँ, भूल गया, कहाँ रख दी मैंने, शायद मैंने किसी को दी थी। किसको दी थी? मैं क्या जी।